दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको इवू के होटलों के बारे में बता दूं। जो चेंगवी रोड पे मैंने आपको होटल बताए, चाहे वो चुनवई है जिसके जो ऑनर हैं वो राजीव गुलाटी, अपना इंडियन भाई है, और दूसरे जो चाइनीज़ हॉस्टल हैं वहीं आसपास उसी रोड पर, तो ये सब बिजनेस टूर के हिसाब से ही हैं। सस्ते पड़ते हैं, 1500-2000 का रूम आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा। बट वहाँ पर इन जितने भी होटल हैं छोटे मोटे, इनमें कहीं पर भी आपको लॉकर नहीं मिलेगा, मतलब कोई सेफ्टी बॉक्स नहीं है रूम के अंदर, और कहीं रिसेप्शन पे कोई लॉकर नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि आप यहाँ से जब भी बिजनेस टूर पे जाएं तो आपको करेंसी कैसे अरेंज करके ले जानी है, कि बजाय इसके कि मैं कैश कैरी करूँ अपने खर्चे पानी के हिसाब से, तो उसके बदले में डेबिट कार्ड रख लूँ। तो ये क्योंकि जो भी आपकी करेंसी होगी वो सब आपको पूरे दिन आपके साथ कैरी करके आपको चलना पड़ेगा, चाहे वो फुतियन मार्केट हो चाहे नाइट मार्केट में जा रहे हैं। होटल में ऐसे तो आप छोड़ेंगे नहीं। अगर हाँ आपका, या तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई बड़ा होटल बुक करिए, चाहे वो 5 स्टार हो 4 स्टार हो, वहाँ तो फिर वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। बट ये जितने भी 1 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं या गेस्ट हाउस हैं छोटे मोटे, चाहे वो इंडियंस का हो चाहे चाइनीज़ का हो, इनमें कहीं भी आपको सेफ्टी बॉक्स लॉकर कुछ नहीं मिलेगा। इवन आप शायद हैरान हो जाएंगे, इनमें रेफ्रिजरेटर भी नहीं है रूम्स के अंदर, बस टीवी आपको मिल जाएगा, और जो थोड़ा थोड़ा बहुत जो आपको चाहिए वो सब प्रॉपर। रूम सर्विसेज भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो होटल हैं उनमें रूम सर्विस भी इवन नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, वहाँ नीचे रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कर सकते हैं। और जुनवई होटल में वो जो राजीव गुलाटी हैं वो अरेंज कर देते हैं, अगर आपको रूम के अंदर कुछ खाने पीने के आइटम ऑर्डर करती हैं वो आ जाएंगे। बट वो चाइनीज़ जो होटल हैं वो उनमें कुछ भी आपको रूम सर्विस के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, ना सेफ और ना सेफ्टी बॉक्स है, ना लॉकर है, ना रेफ्रिजरेटर है। तो ये सब आपको देख के चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आप मौसम के हिसाब से अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो वाटर बॉटल वगैरह आपको अपना बाहर से ले आइए, अरेंज करना पड़ेगा। और जुनवई होटल में, राजीव गुलाटी का जो होटल है उसमें नीचे उन्होंने फ्रिज लगा रखा है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। होते प्रॉपर एसी रूम हैं और काफ़ी साफ़ सुथरे रूम होते हैं। रूम सर्विस में जैसे थोड़ा प्रॉपर सब कुछ चेंज होता है, चाहे वो शीट्स हों चाहे कुछ भी, सफाई होती है वॉशरूम की और रूम्स की प्रॉपर, ऐसा नहीं है। बट मेन वही दो चीज़ें हैं कि रेफ्रिजरेटर नहीं होता और सेफ्टी बॉक्स नहीं होता, ये दो चीज़ें मैंने नोटिस करी है। बट एसी प्रॉपर वर्क करेगा और सब कुछ, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। बट ये दो चीज़ें हैं, तो मैंने मेनली मैं इसलिए बताना चाहता हूँ लॉकर्स के लिए, कि आदमी अगर करेंसी ले जाता है और सोचता है कि वहाँ रख देंगे, तो उस हिसाब को आप देख के चलिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर चाइना 15-20 दिन लगाने हो, घूमने का घूमना हो गया और बिजनेस का बिजनेस, और अगर वो गन्जो, शेंजन और हांगकांग, मकाओ और उसके बाद इवन शंघाई, मतलब ईवू मार्केट अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप अलग अलग जाएंगे काफ़ी दूर हैं, जैसे कि दिल्ली से गोवा इतनी दूर है ईवू से गन्जो, तो अगर आप अलग अलग जाएंगे तो हर चीज़ आपको डबल खर्चा पड़ेगा, एयर फेयर भी दोनों बार का अलग अलग लगेगा। इससे बेस्ट है कि आप एक ही बार में, अगर आपके यहाँ टाइम है और पैसा है तो आप दोनों चीज़, और वीज़ा भी आपका एक ही बार लगेगा, और अदरवाइज 2 बार 65-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक तरफ से, अगर मान लीजिए आप शंघाई उतरते हैं तो शंघाई घूम गए, शंघाई घूमने के बाद आप ईवू चले गए, ईवू में अपना काम निपटाया, वहाँ से बुलेट ट्रेन लेकर आप आ गए गन्जाओ, जो कि 7 घंटे में आपको पहुँचा देती है। नॉर्मल ट्रेन 16 से 17 घंटे लेती है, और बुलेट ट्रेन थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ती है, उसकी टिकट है 7,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, वो आपको गन्जाओ पहुँचा देगी। गन्जाओ में जितना आपको काम है गन्जाओ रहें, गन्जाओ के बाद आप शेंजन आ जाएं, और शेंजन से आप एंटर हो जाएंगे हांगकांग में या मकाओ में, सीधा मकाओ चले जाएं।
और दूसरा ऐसे ही आप उल्टा कर सकते हैं कि आप पहले हांगकांग घूम लीजिए, या हांगकांग में कुछ काम हो एग्जीबिशन अटेंड करिए, वहाँ से मकाओ में कोई बिजनेस तो है नहीं घूमने आप जा सकते हैं, या जो चाइना हांगकांग से डायरेक्ट जाना चाहें वो डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मकाओ जा सकते हैं। मकाओ में एक जुहाई बॉर्डर है, चाइना और मकाओ का जुहाई बॉर्डर, वहाँ से एंटर हो जाइए अंदर जुहाई बॉर्डर से। जुहाई से आप बस मिलती है बॉर्डर क्रॉस करते ही, पैदल आपको क्रॉस करना है, और क्रॉस करते ही बस इमिग्रेशन क्रॉस करते ही वहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ से आप शंजन की, गांजाओ की, कहीं की भी आप बस ले लीजिए, वो आपको पहुँचाएगी। वहाँ काम जितनी भी जगह आपको काम है वो करिए, फिर बुलेट ट्रेन लेके ईवू, और ईवू से आप बुलेट ट्रेन या बाई बस बाई टैक्सी आप शंघाई आ सकते हैं अगर घूमने का मन है, और फिर वहाँ से। तो ये मल्टीपल टिकट बनेगी आपकी, मल्टीपल टिकट इन द सेंस कि आप गंजो अप डाउन की टिकट बनाते हैं, तो अब आपको क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ से शंघाई और लौटना गंजो से इंडिया, या यहाँ से हांगकांग और लौटना शंघाई से वापसी। उसके लिए आपको हांगकांग के लिए एक ऑथोराइजेशन लेटर आता है, वो अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएगा, और पहले ही निकाल लीजिएगा, टिकट बाद में बनवा लीजिएगा, डेट कंफर्म रखिएगा पहले ही, क्योंकि कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है, हांगकांग का ऑथोराइजेशन लेटर मिलता नहीं है कई लोगों को, तो इसलिए। और चाइना का वीज़ा आप लगवाएंगे, वो आप पहले टिकट बनवा लीजिए और फिर चाइना का वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। वो आमतौर पे अगर आप बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं तो बिज़नेस वीज़ा लगवाएंगे, वो मिल जाता है। और एक तो ये रहा, थोड़ा सा लोगों का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको बता दूं। और दूसरा दोस्तों, आप दुनिया में सब जगह कुछ ना कुछ स्कैम्स, कहीं पे कुछ जेब कटना, कुछ इस तरह की बातें हैं ही हैं, तो सभी जगह हैं, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, इवन चाइना में भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा गंजो वगैरह में आप जाएंगे तो हांगकांग में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मेरे को अभी तक ऐसा मिला, मगर कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और गंजो क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड सिटी है वहाँ पर, तो वहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ईवू के मुकाबले आपको वहाँ पर अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और ईवू में मैंने अभी तक ना तो सुना है, यहाँ तक कि मैंने कितने इंडियन भाईज़ हैं जो मेरे दोस्त भी हैं उन लोगों से ही मैंने पूछा, तो कहते हैं आज तक मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और क्योंकि बहुत अच्छी सिटी है, बहुत खुली खुली सिटी है, सीसीटीवीज लगे हुए हैं, बड़े अच्छे हिसाब से ऑर्गेनाइज करके बनाया हुआ है सब कुछ, तो वहाँ मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना, बस गंजो में। बाकी टैक्सी वाले चाहे वो कहीं पर ही पूरे चाइना में हो, तो उनसे जो आप पैसे लें या छोटे मोटे दुकानदार से वो चेक कर लीजिएगा, तो उसमें वो नकली नोट वगैरह दे देते हैं, तो 100 का नोट हमारे तो 1100 है, जरूर वो 100 RMB का नोट है, बट वो हमारे तो 1100 रुपये हो गए, एक नकली मिल गया तो 1100 रुपये गए। तो टैक्सी वालों से जब भी आप पैसे लें, चेंज लें, उनसे वापसी लें या कोई छोटे मोटे, तो ज़रूर उसको कुछ पहचान अपने यहाँ करेंसी की करके चलें, वहाँ की ओरिजिनल करेंसी की। जब जिस भी आप ऑथोराइज एजेंट से, करेंसी एक्सचेंजर से आप जब यहाँ पर थोड़े बहुत RMB लेंगे USD के साथ साथ, तो उनसे थोड़ा पहचान पूछ लीजिए कि भाई पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि ये है वहाँ पर, मैंने सुना भी है, मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, मैंने सुना है कि थोड़ा नकली नोट वगैरह ये सब धंधा। और कुछ जिन एजेंट्स के साथ काम करें, पूरा उनके साथ प्रॉपर उनको चेक कर लें, और मार्केट में भी काफ़ी सारे वहाँ एजेंट बैठे हैं, जो मैंने आपको उस गाइड में और अपनी ईवू की उसमें चेंगबी रोड बताया है, जहाँ होटल्स हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी हैं, और या फिर ऑनलाइन आप पहले ही बहुत सारे एजेंट्स हैं, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। वहाँ कुछ एजेंट्स के ऑफिसेज़ में मैं गया था, उन्होंने होटल्स की बिल्डिंग्स के अंदर ही कोई 5th फ्लोर पे 7th फ्लोर पे मतलब होटल्स के अंदर अपने ऑफिसेज ले रखे हैं, फ्लोर का फ्लोर बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप उनको चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आपकी अगर बात हो जाती है, आपसे बिज़नेस रिलेटेड आप क्वायरी कर रहे हैं,
और वो आपको प्रॉपर ठीक लगता है आदमी जिससे आप बिजनेस के, तो वही आपको एजेंट भी प्रोवाइड करा देगा। कुछ इंडियंस हैं एजेंट्स, अगर आपको पता चल जाए, दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे में भी होंगे, बड़े बड़े शहरों में तो मे बी, उनके ऑफिसेज यहाँ भी हैं इंडिया में और वहाँ भी हैं ईवू में। तो उस वो आपको मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा कि भाई यहीं आपको सारा हिसाब किताब, और अपना एजेंट है तो गड़बड़ी का भी नहीं कि अब आपके शहर में उसका ऑफिस भी है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया। अदरवाइज़ वहाँ पर आप जाते हैं तो काफ़ी सारे एजेंट्स हैं उनको देखिए सब, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं, बहुत सामान आप ला रहे हैं, तो फिर यह है कि बहुत बड़े बड़े एजेंट्स हैं, उनकी साइट्स हैं, ऑनलाइन जाके उनका पढ़ लीजिए और वो प्रॉपर फुतियन मार्केट की और अपने बिजनेस के बारे में वो प्रॉपर यूट्यूब पे उनके वीडियो पड़े हुए हैं। काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जिनके यूट्यूब पे वीडियो हैं जो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि हमारी कितनी टर्नओवर है, हम कितना काम करते हैं, कितना कस्टमर है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम कितना सामान भेज रहे हैं। उसमें देख लीजिए कि कौन सा बड़े से बड़ा एजेंट है, उनसे आप बात करिए, या फिर जब ईवू जाएंगे तो 1-2 दिन उनके ऑफिसेज में विजिट करने के लिए टाइम लेके चलिएगा और वही लोग आपको इंग्लिश ट्रांसलेटर और ये सब प्रोवाइड कराएंगे, आप एजेंट ही आपके साथ भेजेगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ अगर आप कम बिजनेस करना चाहते हैं कि पहली बार जा रहा हूँ मैं, कम से कम करना चाहता हूँ ये, तो उसके लिए इंडियंस भी हैं एजेंट्स और वहाँ के एजेंट चाइनीज़ एजेंट्स भी हैं, तो वो आपका जो होटल के मालिक हैं या आपके होटल्स में कुछ ऐसे लोग मालिक से ही पूछ सकते हैं, या जो आपके होटल्स में कुछ लोग ठहरे हुए हैं जो प्रॉपर आते हैं वहाँ, पहले से आ रहे हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी लोगों को इससे ही अंदाज़ा लग जाता है कि उनका कौन सा एजेंट है, क्योंकि वहाँ मॉर्निंग में आप देखेंगे सब होटलों में सुबह 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे एजेंट्स के लोग आके बैठ जाते हैं, नीचे वेट कर रहे होते हैं कि हमारा कस्टमर ऊपर से कब उतर कर आएगा तो हम उसके साथ मार्केट में जाएंगे, क्योंकि मेनली वो ट्रांसलेटर होते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेटर जो कि एजेंट्स ने प्रोवाइड करा रखे होते हैं। तो आपको वहाँ से, मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि वहाँ से आपको तरीका पता चल जाएगा कि उनसे आप पूछ सकते हैं आप किस एजेंट के हैं और वहाँ का मालिक आपको हेल्प कर देगा। सबसे बड़ा जरिया, एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ पूछने का तरीका क्या है, कि रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, जहां आप बैठते हैं, तो वही एक ही रेस्टोरेंट चुन लीजिए। उसी रेस्टोरेंट में जब आप 2-4 दिन खाना खाएंगे, सुबह भी ब्रेकफास्ट करेंगे, रात को भी डिनर करेंगे, और उसको पता चलेगा कि यार ये अच्छा कस्टमर है, तो वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा वहाँ जो मैनेजर है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं और उनसे ही बना के रखिए। तो आपको, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए और जाहिर सी बात है कि लोग बाग सब डिपेंड एजेंट्स पे ही है, डायरेक्ट माल तो आएगा नहीं, आएगा एजेंट के थ्रू, तो ये आपको, ऐसे आप एजेंट्स को देख सकते हैं मेरे। और दूसरा, कुछ फ्रॉड भी हो सकता है मे बी, मैंने सुना एक एक आध बार एक चीज़ एक आध सुना है वहाँ पर, तो इसलिए प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि कोई कब से वो बिज़नेस कर रहा है, कब से बैठा है वहाँ के मार्केट में, आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपके साथ फ्रॉड हो जाए कि आप पेमेंट कराएं या यहाँ से आने के बाद आप वहाँ पर पेमेंट भेज दें, तो ये थोड़ा सा देख के चलिएगा। पहले मिनिमम ऑर्डर देकर आइए, फिर अगर आपका माल ठीक से आ जाए तो आप दोबारा ऑर्डर दे सकते हैं या दोबारा जाके फिर उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सब तो चलता रहता है कि कुछ नुकसान हो गया है, छोटा मोटा कुछ बात हो गई, तो अगर वो इग्नोर करने लायक है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर ही करिएगा, क्योंकि अपने देश से अगर आप बाहर जाते हैं तो पंगा ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ज़्यादा बात हो जाए तो आप इंडियन एम्बेसी में जाएं अगर वो कैपिटल है, नहीं तो वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट होगा, उसको आप संपर्क करें तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे अगर कोई नुकसान होता है या किसी और तरह की आपको परेशानी है। बट एक होता है कि लोकल आदमी से पंगा लेना, तो ख़ास तौर पे मैं चाइना के लिए बता रहा हूँ आपको कि वहाँ बिल्कुल भी आप किसी टाइप का भी पंगा आप ना लें। और जो स्कैम्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर में ही स्कैम्स हैं,
जालसाज हैं, तो ये भी इन्होंने अपने अपने जाल फैला रखे हैं दुनिया भर में। तो कुछ थाईलैंड में, कुछ अलग अलग हैं, कुछ चाइना में हैं, कुछ अलग अलग सब देशों के। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्कैम्स करके, उसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारी तरह की चीज़ें बता रखी हैं कि आप अगर इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या क्या स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं। तो वो आप उसको चेक कर लीजिएगा, वो आपके काफ़ी काम आएगा। पहले पता होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा हो गया तो किन किन चीज़ों से आपको बचना है बाहर जाने के बाद, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। दोस्तों, मार्केट में आपको हर नेचर के लोग मिलेंगे जो शॉपकीपर हैं, तो आपको अपने काम से मतलब है उसकी नेचर से नहीं, बट मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर अच्छा बोलने वाला भी आपको मिलेगा और कुछ रूखे लोग भी मिलेंगे। तो आप सोचेंगे कि पता नहीं ये इंटरेस्टेड है कि नहीं, बट वो उनका स्वभाव है। ज़्यादातर 80% शॉप्स पे तो आपको लेडीज़ ही मिलेंगी, लेडीज़ काम कर रही होती हैं, उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो ही मिलेंगी। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर मैंने ये देखा है कि थाईलैंड में भी और इन, तो आपको कोई पानी का गिलास भी ऑफर नहीं करेगा इवन, कि आप वहाँ पर बैठे हैं काफ़ी टाइम से और आप अपने आप मांग लें। तो ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, मगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपने बिजनेस पे इस चीज़ का फ़र्क ना पड़ने दें कि इसने अभी तक पानी भी नहीं पूछा, हम इतना ऑर्डर दे चुके हैं या इतनी देर से इसके पास बैठे हैं। तो उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी काम है उन लोगों के पास। और बाकी कोई आपको इसके बाद भी कुछ पूछना हो, कुछ वहाँ के बारे में, हो सकता है मुझे अभी भी याद ना आ रहा हो, तो आप कमेंट्स करिए, तो उसका जवाब मैं अभी तक तो सभी को दिया है और कोशिश करूँगा, मैं देता रहूँगा। और अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक भी, मैंने उसके लिंक दे रखे हैं, तो उस पर फॉलो करना चाहें आप मेरे को कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आने वाले वीडियोस चेक करते रहिएगा। मैं कुछ ना कुछ नया लेके फिर ज़रूर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।